माशाल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? सब लोग ठीक ठाक हैं? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, और आप सारे ठीक होंगे? वालेकुम सलाम। और इधर जी हमारी आयशा साहब जो नीनी कर रही है अपना डायपर शायपर पहन के। आज का सीन ये है कि हम लोगों ने ना थोड़ी सी सेटिंग चेंज करके देखनी है, और हो सकता है हम इस सेटिंग पे परमानेंट भी हो जाए, इसलिए हम लोग सेटिंग चेंज कर रहे हैं। हमारा मूड बन रहा है कि हम बाहर अपने टीवी लॉन्च के लिए ना एल शेप सोफा लेके आए। एल शेप नहीं, मतलब कुछ लेदर वाला सोफा होना चाहिए, क्योंकि ये वाले सोफे हैं कपड़े वाले, तो ये बड़ा ही ना इस तरह लगते हैं कि गंदे गंदे होते हैं यहाँ पे बैठे हुए। फटने का तो फिर भी एक चीज वक्री रहेगी, लेकिन इनकी सफाई का थोड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे हम लोग रेगुलर बैठे रहते हैं, तो अभी हम लोग करने ये लगे हैं कि अपने सोफों की जो सेटिंग है ना, इनकी करेंगे अभी ड्राइंग रूम में, और फिर डिसाइड करते हैं कि ड्राइंग रूम में इन सोफों को एडजस्ट करना है या जो भी करना है ना। अभी हमारा मतलब 50-50 अभी तक हमारा कुछ फाइनल नहीं हो रहा कि हमें क्या करना चाहिए। वहां पे हम लोगों ने सोचा तो ये था कि नीचे सिटिंग वाला सिस्टम लगाए, खाना शाना भी खाना हो तो बंदा कोई मेहमान है ड्राइंग रूम में बैठ के खाना शाना खा सके। लेकिन अभी इन सोफों को सेट करते हैं, और अगर हमारा मतलब प्लान वहां पे सोफों वाला ना बना अभी सेट करके देते, तो फिर हमारा दिल है कि हम इसके ऊपर लेदर करवा दें। यही चाह रही है ना, क्योंकि ये माशाल्लाह सोफों का फ्रेम की बात करें तो बहुत जबरदस्त, कभी भी इन्होंने चूं पूं कुछ भी नहीं किया। चीं पी हो रही है वो वाला चक्कर नहीं, इसकी 10 साल की वारंटी है, और ये हमारे यहाँ पे दानिश फर्नीचर वाले मैंने वहां से लिया था। बहरहाल अभी काम शाम शुरू करते हैं, सबसे पहले तो हमें गाड़ी बाहर निकालनी पड़ेगी, फिर ये ऊपर से कारपेट भी लेके आना। अभी जी हम लेने आए ऊपर अपना कारपेट, हम लोगों ने ऊपर कारपेट अपना सेफ सूफ करके रख दिया था। जनाब इधर है कारपेट, बाहर में नहीं है, इधर से हम लोग अपना कारपेट उठाते हैं। ये लॉक ये पूरा नहीं था, हाँ कारपेट चुक लो, इधर आ जाओ चुक लो। ये जी हमारी सोलर प्लेट आई तो पड़ी है, लेकिन आजकल जरा लाइट थोड़ी कम जा रही है, ठीक हुई है लाइट, और जितने टाइम जाती है ना उतनी देर हम वो अपनी बैटरी के साथ चला लेते, तो फिर सोलर पैनल फ्री पड़ा हुआ है, उतने सोलर पैनल ना डिग जाए, अजय शीशा टूट गया तो गया फिर फाइनल। तो जी अभी चलते हैं, पैसे इसे देंगे, टेंशन ना लो, तुम दोनों से लूंगा मैं पैसे, तड़ दो अगर मैं पैसे लवाऊंगा। चलो कारपेट नीचे लेके चलो, झाड़ू मेरे ख्याल से नीचे पड़ा है, अभी जाते हैं पहले तो कारपेट की कटिंग शटिंग करके वहाँ पे बिछाते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि अभी आगे का क्या प्लान है। हम लोग बिछाने लगे यहाँ पे कारपेट, कारपेट के पीस जो है ना वो तो छोटे छोटे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस रूम में जो है ना वो ऐसे ही आ जाएगा। अगर इधर से साइड से हो तो क्या करना है, कटिंग करनी है या फोल्ड करना है? फोल्ड कर लेंगे, हाँ ठीक है, नहीं फोल्ड ही कर लेते हैं। मैं सीजर लेके आई ना, सीरियसली इतनी जिंदगी गुजर गई है, मैंने आज तक इतना विंगा रूम नहीं देखा यार, इतना टेढ़ा, मतलब समझ नहीं आ रही कि कारपेट को करें क्या। अभी कारपेट पहले घुमाते ना, इससे पहले मैं बड़ी कोई एक्सरसाइज की है इसके ऊपर, अब देखे ना कि ये मतलब मेन उसी दीवार का मसला है नक्शा, वो उस दीवार का सारा इशू है, वो टेढ़ी ना ना होती तो मतलब ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती, कारपेट पूरा आ जाना था, ये सिर्फ इसकी वजह है की बनाने वाला फिर खुल के गई था, जब मजाक करे ना फिर खुल के करता है। इसके कहने का मतलब कि जिन्हें बनाया ना वो भी टेढ़ा ही सी, मतलब कहना ये जा रहा है आसिम। बहरहाल अभी इसमें हमने सोचा है कि हम इसकी कटिंग शटिंग करते हैं, कुछ इसको पूरा पूरा करते हैं, हो जाएगा पूरा कुछ बन जाएगा सीन। ब्लॉक दूसरा पीस भी चौक के लिया, हाँ वो भी ये वाला जो अक्सर पीस कटेगा ना, ये देखें ये वाला पीस ये उधर चला जाएगा, तो मतलब ठीक है इसके ऊपर हमने ज्यादा मैट्स वगैरह कुछ इस तरह का बिछा लेंगे ना, या सोफा रखना हुआ तो सोफों के पीछे ये छुप जाएगा, मेन जो दरमियान है ना वो ठीक रहेगा कारपेट का। कारपेट जो सा अभी फाइनली बड़ा अच्छा जो सा ना, मतलब कटिंग कुछ नहीं करनी पड़ी है ना, अक्सर माइनर से जो पहले पीस खराब थे ना बस उसको काट के ना सेटिंग हो गई। अभी अक्सर ने झाड़ू लगाया है, सारा अच्छा कचरा शचरा निकाल के बाहर लेके आई है। दूसरा मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखें मतलब कि ना कारपेट बड़ा अच्छा बिछ गया, अक्सर आयशा वाला रूम जो था ना उससे ज्यादा अच्छा बिछ गया यहाँ पे, क्योंकि ये सारा जो ना कटिंग एक साइड पे छोटी सी आ गई है, यहाँ से हमने काटा नहीं है, इसको हमने फोल्ड कर दिया, वहां पे एक पीस चलने वाला पूरा आ गया, शुक्र है। लग नहीं था रहा, लग नहीं था रहा करते पूरा होगा कारपेट, हाँ तो बहरहाल अभी जो है कारपेट अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया, अक्सर लगाती है झाड़ू, उसके बाद सोफे वगैरह उठा के लेके आते हैं। ये हम डबल टेप जो ना लेके नहीं आए अभी तक, लगाया ही कोई नहीं हमने, मैं डबल टेप मेरा कोई आपकी बच्ची जो उसको सुकून नहीं आता, आज जैसे चढ़ती है सोफे पे उतार देती है, लेकिन डबल टेप ना इसको अच्छी बार लगाते हैं ला के, वो याद ही नहीं रहती बैठ जाते हैं तो। ये देखे कितने तेज है, सोफे के नीचे कचरा देखे कितना ज्यादा है, चलो मैं चले 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 ध्यान से, मैं आपका फोटो शूट करते हुए, हाँ फिर मोड़ना पड़ना है, ध्यान से लेके जाना,
चले जी बहुत ज्यादा तिरछा है ना ये बता यहाँ पे मुझे लग रहा है ये अच्छा लग रहा है दिन वाला अभी आएगा ना सारा फिर पता लगेगा बहुत अच्छा लगेगा फिर देखते कैसे लगते हैं इसको इधर नहीं इसको थोड़ा इधर करेंगे इधर करेंगे इसमें सेंटर में रहे सेंटर में ही रहने दीजिए इधर मेरे बच्चों को सोफा लेके आ रहे हैं ले जी अभी थ्री वाला सेट हुआ है टू वाला सेट किया अभी पता कोई नहीं है कि यहाँ पे रहेंगे या जो भी करना है मतलब सेटिंग किस तरह कौन सा सोफा लगाना है मतलब अच्छा इधर आ जाओ अच्छा इधर आओ मम इधर आ जाओ सोफा आ रहा है अच्छा तो यार जो भी है ना मतलब अच्छी बन रही है यहाँ पे जो भी मतलब सारा कोई वो वाली जगह बड़ी खाली लग रही है और वहां से सारा सामान उठा के हमारा घर वहां से बड़ा खाली लग रहा है शौक शौक में चौक के हमने सारा कुछ यहाँ पे रख लिया अब वहां पे क्या करेंगे मुझे ये बताएं लेकिन कुछ लोग कमेंट्स कर कह रहे थे कि आप लोग अभी अपना फर्नीचर ना इतना ज्यादा करें अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक और सोफा बनवा लिया तो हमारा क्या बनेगा शिफ्टिंग का मुझे दो ट्रक करवाने पड़ जाए करेंगे मुझे ये सेटिंग बहुत प्यारी लग रही ओए 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 रख के भी खुदी के इधर ही रख दो अभी अच्छा दरमियान में लाओ सॉरी इसको दरमियान में ले आओ इसको दरमियान में इधर तो जो सी ये सेटिंग है ना अभी कर तो रहे हैं लेकिन अब देखें क्या बनता है मुझे तो वैसे बहुत मजे की लग रही है लेकिन फर्नीचर में अभी ज्यादा नहीं करना चाह रहा कि यार पहले बिलाल सी ना किवें पिंडी के मुश्किल नाल समान पूरा किया उस ट्रक इतनी मुश्किल समान पूरा किया था पूरा ही नहीं था आ रहा यहाँ से तो फिर छोटे रिक्शे थे फॉर एग्जाम्पल यहाँ से लंबा दूर जाना पड़े तो दो ट्रक करवाने पड़ जाते हैं तो जोनसी है यहाँ पे फाइनल कर दी गई है मतलब कि बड़ी ही खूबसूरत सेटिंग लग रही है आप लोगों को जिस तरह की नजर भी आ रहा होगा ये देखे जरा ये सोफे सारे सेट हो गए बस ये कॉर्नर थोड़ा खाली है यहाँ पे कुछ हो सकता है लेकिन जो मेरे दिमाग में ज्यादा चीज आ रही है ना मैंने एक दफा कब कब से सोफे वगैरह रख के ना मतलब सेटिंग करके देखते हैं लग अच्छी थी सेटिंग बड़ी प्यारी लेकिन मसला ये है कि मुझे एक सोफा और खरीदना पड़ेगा पैसे भी लगाने पड़ेंगे और दूसरा फिर सामान भी बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसका वैसे वो दूसरा प्लान भी है आप लोगों ने भी कमेंट करके कई लोग मतलब कई तुम्हारी यूट्यूब इतनी अच्छी फैमिली मतलब आप सब भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कईयों ने तो तस्वीरें भी भेजी हैं कि अली भाई और अक्सा आप इस तरह की आप लोग सेटिंग करें ये सेटिंग बहुत अच्छी लगी क्या बता रहे थे कुछ अरबी स्टाइल का था वो सारा नीचे बैठने वाला सिस्टम हाँ जी जी वो लगाया बड़ल देखते हैं अभी क्या करना है और दूसरा अक्सा मैडम ने कहा लो जी काम तो उठ हो ही गया चीजें उठी गई तो सोने पे सुहागा कर लूं आयशा ने मैं आपको बताता हूँ इसको पता नहीं आयशा तो बच्ची इधर मेरा भी यही हिसाब है मुझे भी जो सा पैकेट मिलता है ना रैपर सैपर होता है मैं फेंक देता हूँ सोफे के पीछे नीचे फेंक देता हूँ तो वो फिर मट्टी वगैरह तो नीचे आ ही जाती है बड़े लाज पूरी सफाई हो जाएगी यहाँ सारी वो फिर ऐसे ही है वाले लगता है स्पाइस वही कर रही है और फिर अभी देखते हैं कि सोफा क्या करना है अभी बैठ के फाइनल करते हैं हो सकता है कि हम लोग सुबह कुछ सोफे वगैरह भी मार्केट में देखने के लिए जाएं अक्सा सुबह चलें कोई फर्नीचर वगैरह पसंद करने सोफे वगैरह चलो कोई सोफा भी देख के आते क्या पता हमें उस तरह कोई छोटा कोई सोफा मिल जाए हाँ अंदर आके रूम तो एक दफा देख लें यूट्यूब फैमिली को दिखा तो ले कि कैसा लग रहा है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी जो रूम की कंप्लीट लुक निकली है ना वो ये है दूसरा आयशा को रूम इतना पसंद आया पड़ा है कारपेट साइड पे बिछा हुआ ना वो इधर ही आगे उधर बैठ जाती है सोफे में फुल एंजॉय कर रही है वैसे तानू कैसी लगी सेटिंग तो माशाल्लाह अच्छी लग रही है लेकिन एक काम कर दो तुम दोनों जने को पैसे अद्धे तो दे दो ना मैं नया सोफा ले आया हूं एक हैं कुछ हो सकता है ऐसा कोई हमारे पास होते उसकी बात सुने बिलाल की कहता है मैं उसका मजाक करने लगा सोफे का कहता है हमारे पास होते तो हम इधर होते हाय 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 दुखी लोग हैं बहरहाल बाकी जो सेटिंग वगैरह ये निकली है पूरी कंप्लीट लुक अभी देखते हैं कि टीवी लॉन्च के लिए नया सोफा लेते हैं या इसके लिए नया सोफा लेते हैं वो इंशाल्लाह फाइनल करते हैं कि सोफे का क्या करना है आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा जिस दिन का सारी सफाई हुई है ना मैं उस दिन को ऊपर नहीं आया जरा चेक करें एक दो तीन ये आंटी लोगों ने ऊपर सारा कुछ रखा है इसके कि ये ना नीचे ना गिने मतलब दोबारा गंदे ना हो और जरा मैट्स चेक करें कि कितने ज्यादा हैं ये सारे हमारे दो मतलब ब्लैंकेट हैं आंटी लोगों को मतलब इतना धोने वाले साहब तो चले उनकी मोटर भी ठीक होगी मतलब देखे कितनी कितनी चीजें ये देखें ब्लैंकेट्स वो मैट्स सारे एंड तक जितना सारे का सारा सामान लगा पड़ा है ये देखें पूरा अभी ये पता नहीं उतार के नीचे भी कैसे लेके जाना मुझे नहीं लगता मेरी गाड़ी में एक दफ़ा सामान पूरा आएगा आंटी की तरफ छोड़ने जाते हुए मुझे लगता है दो बार में लेके जाना पड़ेगा एक अभी ले जाएंगे एक सुबह ले जाएंगे बाद अभी सामान वगैरह उठाते हैं वही मार्बल बिल्कुल आराम से रखना रात का टाइम शोर ना हो बिल्कुल भी ठीक है ना हाँ बिल्कुल आराम से कि फोल्ड करने पड़ने मैं भी साथ करवाता हूँ एक ही इन्होंने इकट्ठा किया ये सारा जितना सामान है ना ये आंटी का देख के निकल जाएगा थोड़ा ऊपर उठा लो ये सामान सारा आंटी का ओए
वेख के यार ख्याल करो डेग डूब जाओगे। तो मुझे लगता है मुझे साथ इनकी हेल्प करवानी पड़ेगी, मैं थोड़ी सी इनकी हेल्प करवा लूँ, इनसे जरा निकलवा लूँ। ये सारा सामान है आंटी का यार, सारा इधर तुसी जाया कर छड़ना। ओए चुको ना जी हमारी लाइट जोन से, हम लोग आ गए थे आंटी की तरफ, सारा सामान सामान उठा के जो आंटी लोगों का रहता था यहाँ पे लेके आने वाले, मैंने गाड़ी में रखा, फिर मैं रख के यहाँ पे ले आया। तो अभी थोड़ी सी हमने लगाई, अभी मतलब तकरीबन हमें आधा घंटा हो गया गेम लगाए हुए, आधे घंटे पहले लगाई थी, अभी तो हम लोग आराम से बैठे हुए लाइट का वेट कर रहे थे। और हमारा फर्स्ट आई है जी गुलनाज, फिर सेकेंड आई आया हूँ मैं, और थर्ड पे आई है अक्सा। और इन इन जरा जरा इन्हों से लोग बैठे, इनका हिसाब लगा लें, अंदर ही मेरा भी लाइट आ गई साड़ी 10 मिनट पहला, तो पक्खा सी चलाया कोई नहीं, नहीं पक्खा सी कोई नहीं चलाया हम, मतलब वो ही पक्खे का बगैर ही रहने लग पड़े हैं। तो अभी जी हम लोग जाने लगे अपने घर वापस, अब जाके कुछ अपनी नींद शींद का पूरा करते हैं, अभी कुछ घर में भी काम शाम पड़े हैं वो भी जाके पूरे करते हैं, और फिर चले अक्सा मैं गाड़ी लेके आऊँ, इकट्ठे ही चलते हैं ना, वहाँ से मैं गाड़ी ले आऊँगा, आप लोग साइड पर खड़े हो जाना, फिर आसिम घर आ जाएगा। ठीक आयशा, आयशा आप जा रही हो, घर जा रही हो, किधर हो आप, इधर दिखाएं अक्सा, किधर आयशा मेरी बच्ची किधर है, लश्कारे मार रही है, गाने गा रही है ओला चाली चाली, पता नहीं कहाँ से सीख ली है। अभी हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और अब तो कावड़ भी जो चीज, जब ये टाइम हो जाता है ना बंदा थक जाता है, ऐसी है ना फुल बैटरी सिस्टम लो होगी होती है। अभी जाएंगे घर, गाड़ी सामने जो सी मेरी वो पंप पे मैंने लगाई हुई थी, मैं पाई इधर पंप पे गाड़ी लगाता हूँ, मैं ना गाड़ी का रिस्क नहीं लेता कि गाड़ी इधर उधर नहीं लगाएं, वो सामने पेट्रोल पंप पे मैं गाड़ी लगा देता हूँ, वहाँ पे गाड़ी सेफ रहती है, यहाँ पे गनमैन होता है। आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अस बेटा ख्याल से घर जाना ठीक है, बिल्कुल एहतियात से, किसी की बात नहीं सुननी आपने रास्ते में, ठीक है, कोई कैंडी दे तो वो भी नहीं पकड़नी आपने। आसिम के साथ मैं मजाक कर रहा हूँ, चले फिर कुछ चीज रह तो नहीं गई, चार्जर चार्जर पकड़ लिए हैं वो आपने रख लिया, हाँ मैंने रख लिया हुआ। अभी जी हम लोग आ गए घर, आप क्या कह रही थी, आप कुछ गा रही थी, बेला छाओ बेला छाओ बेला, किधर गया आपका छाओ बेला, माशाल्लाह आज तो बड़े मूड में लग रही है, पूरा गाना गा रही है अपनी तरफ से, शूटी शूटी पता नहीं क्या करके बोलती है, बोलो बेला चाओ चाओ चाओ। अच्छा जी अभी हम लोग आए हैं घर, अक्सा ये पिलो के कवर्स वगैरह चेंज कर रही है, और ब्लैंकेट ये आंटी ने वाश किया था, तो थैंक यू सो मच आंटी का भी, ये ब्लैंकेट मारे वाश वुश कर दिया, देखिए कितना लिस्कारे मारे। और निमरा बेचारी की तबीयत खराब हुई है, वो उनके हमारे तो 2 ब्लैंकेट थे, उनका इतना वो कपड़ा था ना, आप लोगों ने ब्लॉग में दिखाया ही है, हर एक कारपेट हर एक रग्स ये वो सब कुछ था, बाहर ऊपर वॉश वुश करके आंटी लोग, अब तो मामला चलो हल हो गया ना, अब आराम स्कूल से साल दो साल साल डेढ़ साल तो निकल ही जाएगा, और अब उनकी मोटर भी लगी हुई है। चलो आप फिर करके दिखाओ बेला छाओ बेला, बाकी जी आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग बताएं कि अक्सा आयशा का इंस्टाग्राम आना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर आयशा का इंस्टाग्राम हुआ तो अक्सा ही सारा हैंडल करेगी, जिस तरह आपता करती है, मैं आयशा की हैंडल करूंगी और बल्कि इसको चलाऊंगी मैं जी इंशाल्लाह। हाँ। बाकी आपने अक्सा को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, हमें दीजिए फिर इजाजत अक्सा जी, बिल्कुल आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, और आयशा के इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने बताना है हम बनाए या नहीं अभी, तो फिर दें इजाजत, अल्लाह हाफिज आयशा, अल्लाह हाफिज बाय बाय कर दो बाय बेला छाओ, आय हाय 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 वाह वाह क्या बाय है, दोबारा काटो बाय बाय कर दो, अब चॉकलेट खा रही है।